तो हेलो गाइस, तो आज मैंने मंगवाया था एक बैग जो कि फ्लिपकार्ट से था। तो इसको मैंने खोल दिया है, बट मैंने सोचा फिर इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो अनबॉक्सिंग तो मैंने कर दी है, बट फिर भी आपको बता देता हूँ कि क्या क्या है इसमें। और मैं आपको इसकी प्राइसिंग भी बताऊंगा। तो ये मुझे फ्लिपकार्ट से मेट्रोनट्स का हैमर बैग मिला था 1260 रुपये में। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर आपको भी ये चाहिए तो। ये 40L का साइज है इसका, जो कि अगर आप कॉलेज या स्कूल जाते हो तो उसके हिसाब से ठीक है। तो इसमें काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी मिलती है, और इसमें देख सकते हो आप, यहाँ पे तो कुछ नहीं है। यहाँ पे एक है, और यहाँ पे आपको ऐसे 3 लेयर मिल जाते हैं, जिसमें यहाँ पे आप कुछ रख सकते हो। यहाँ पे इसके अंदर आपका हाथ नहीं जाएगा, आपकी उंगलियाँ जा सकती है बस। और ये रहा चेन, जिसमें आप कुछ भी रख सकते हो, जैसे कि मेरा ये कुछ पड़ा हुआ है। और इसमें ये एक दो और 3 चेन मिल जाती हैं। यहाँ पे आप अपना लैपटॉप रख सकते हो, मैंने कुछ और रखा है। और एक यहाँ पे आपको चेन मिलेगी, तो ये चेन काफी ऊंडा है और गहरा है और यहाँ तक आ सकता है, लेकिन फॉर सेफ्टी रीजन आप कुछ भी रखना है आपको तो आप इसमें ना रखिए, क्योंकि कोई भी ऊपर से ही खोल के ले जा सकता है। तो आप, मैं कहता हूँ कि आप इसमें रखिए, ये काफी सेफ है। और फिर आपको मिलता है इसमें बैक का रेन कोट, जो कि इसका कलर भी सिल्वर है, आई थिंक काफी बढ़िया है ये भी। और अगर मैं इसको काफी, मतलब 7 दिन से यूज कर रहा हूँ, तो ये काफी अच्छा है। और फिर मैंने वापस रख दिया था इसको, क्योंकि कुछ काम नहीं पड़ रहा था। तो अगर आप भी कॉलेज या स्कूल ले जाना चाहते हो तो ये आपके लिए काफी सही बैग है, क्योंकि इसमें ये काफी बड़ा भी नहीं है। जैसे कि मैंने बताया 40L का बैग है, तो आप इसमें कॉलेज में आप लैपटॉप ले जाते हो, या फिर एक कोई भी क्लोथ, स्पोर्ट के क्लोथ्स ले जा सकते हो, बुक्स ले जा सकते हो, तो काफी आराम से संभाल लेगा। और ये रिसाइज का है, आप इसको रिसाइज भी कर सकते हो, बड़ा छोटा। और ये आप यहाँ से आप एडजस्ट, क्या बोल रहा हूँ मैं, एडजस्ट कर सकते हो आप यहाँ से। आपको कैसे भी आपको फिट रहना चाहिए, या लूज, या ये भी सेटिंग्स आपको पता ही होगा ये। और मेन बात करते हैं, अगर आपको ये काफी भारी सामान है, अगर थोड़ा वजन आप कमर पे लेना चाहते हो, तो ये भी है उसके लिए। और यहाँ पे आपको चेन मिल जाती है, जहाँ पे आप कुछ भी सिक्के विक्के या कुछ भी आपका रख सकते हो, ताकि आपको पीछे हाथ डाल के ना निकालना पड़े। तो ये भी काफी अच्छी बात है, ओवरऑल काफी अच्छा है ये। यहाँ पे तो कुछ ही मत रखिए, और रखने के लिए भी नहीं है, क्योंकि ये तो मेरे हिसाब से ये काफी अच्छा बैग है। और मैं इसका वेट भी काफी है, मतलब अगर आप ऐसे भी भारी है और वैसे भी भारी है, तो ज्यादा देर तक आप अगर मतलब लॉन्ग टाइम के लिए यूज करते हो, तो आपके ये हाथ दुखने लग जाएंगे। अगर आपको बस जाने के लिए है तो काफी अच्छा है, और लेना है तो ले सकते हैं। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और बस यही थी अनबॉक्सिंग। बाकी अगर आपके कुछ भी कमेंट्स, आपको कुछ भी पूछना हो या कुछ भी इसके बारे में जानना हो, तो आप कमेंट्स में ही पूछिए। मेरे ज़्यादा कुछ सब्सक्राइबर नहीं है, फिलहाल तो 0 सब्सक्राइबर है। तो अगर आपको पूछना है तो कमेंट्स में पूछ लीजिए। मैं दिन भर एक्टिव तो नहीं रहता हूँ, जब भी आपका कमेंट्स आएगा मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो मेट्रोनट्स।